आशी के हाथ की मैक्रोनी सब खाओ, देखो कितनी अच्छी बना रही है। मेरी बेटी भी परफेक्ट होती जा रही है खाना बनाने में एकदम। इतनी मलाई आशी, इतनी मलाई आशी, घी भी बनाना होता है बेटा। एक दिन चलता है। अधिकतर हर चीज में हमारे यहाँ तो मलाई रखती है। ये इसने मैक्रोनी उबाल ली है, पसा दी है, हटा दी नहीं तो पानी हटा दी। पानी है ही कहाँ इसमें बेटा, ऐसे डलेगी तो अंदर है। देखो कितनी अच्छी, ये अच्छी बात है कि आजकल मैक्रोनी बनानी सीख गई है। बोली मम्मा आज डिनर में कुछ मत बनाओ, मैक्रोनी बनाएंगे। चलो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी हो जाती है, क्या हुआ। चॉपर में मसाला चॉप किया, देखो सब आज इसने शेक बनाया, ये सब मेरी किचन फैली पड़ी है, आज इसी ने काम किया है, जो भी किया है किचन में। शेक बनाया है, अब मैक्रोनी बनाई जा रही है। आप देखो आज का ब्लॉग रात से स्टार्ट हुआ है, डिनर से, डिनर में आशी बना रही है मैक्रोनी। बताना कौन कौन खाएगा और कैसी बनी है, दिखाऊंगी मैं जैसी बनाई की है। देखो क्या पका दिया था, नहीं पकाया था पता नहीं, कैसे बना रही है, अच्छी बनाती है जैसी भी है अच्छी बनाएगी। मुझे पता है उस दिन भी बनाई थी इसमें, बहुत अच्छी बनाती है वैसे। जलेबी का फल है देखो ऐसे सब टपका टपका, किचन भी गंदी हो रही है आशी। चलो मैं दिखाती, ये वीडियो फिर अगले दिन का है, दोपहर के टाइम का, बच्चों के लिए नहीं, दोपहर के टाइम का नहीं, 4 बजे के टाइम का है ये, क्योंकि 4-5 बजे इसके डैडी चाय पीने आते हैं, तो मुझे लगा ये चिप्स पापड़ रखे हुए थे थोड़े से, लेकिन सील गए, बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहे थे ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो निकालें तो अच्छे अच्छे से, मुझे साफ साफ लग रहे थे, जो मुझे कम सीले लग रहे थे वो मैंने उतार कर रख लिए थे, मतलब फ्राई कर लिए थे। और चाय के साथ हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाई थी, मतलब ये पापड़ और ये पापड़ ही है सब इस तरीके की, मतलब कचरियाँ हैं ये, पापड़ नहीं बोले। शाम को मैंने बनाई थी मसूर की दाल, मसूर की दाल बनी थी आशी की, चावल भी बनाए थे, इसकी दाल बनी थी, मैंने थोड़ी सी खाना लिखाया था, थोड़ी गैस हल्की थी, आशी को गैस होती थी, टैडी के बेस से थोड़ी सी ऐठ हल्की कटोरी जैसे दर्द होता है, बहुत हल्की मिर्ची रखी थी मैंने, मुझे तो खैर अच्छी लगना है, कहने लगे दाल प्लेन बन जाएगी, जीरे का तड़का लगा कर, तो मैंने थोड़े से चावल बनाने हैं, तो मैंने सबसे पहले थोड़े से इन कटोरी में चावल आएंगे, चावल से धोकर के भी होकर रख दूंगी मैं, इनको रख देती हूँ, जब आएंगे बना दूंगी, क्योंकि वैसे बच्चों को खाने नहीं थे चावल, इतने ही बने थे, मैंने और इन्होंने चावल भी खा लिए थे थोड़े थोड़े से, दो सब्सक्राइब बढ़ भी जाते हैं ना, तो पता नहीं चावल क्या होता है, एक दो दिन में वो खाना हो जाते हैं, एक दो ताजे थे, एक गर्म हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इतनी खराब वीडियो तो नहीं बनती। देखो ये आज सुबह की वीडियो है, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और 2 पराठे बनाए थे अचार के मसाले के, कभी बना के देखना बड़े अच्छे लगते हैं वो अचार में ना मसाले ही मसाला हो रहा है, फांके तो देखो अचार की सब खा ही लेते हैं, मसाला बचा चला जाता है, तो मैंने क्या करा आम के अचार के पराठे बनाए थे, चाय बनाई थी और मलाई में निकाल ली थी भगोने में, क्योंकि 8-10 दिन की मलाई हो गई थी, 10 दिन की होगी शायद, ये एक बार अभी मैंने निकाला था 1 हफ्ते पहले, तो 10 दिन की ये मलाई थी, मुझे लगा चलो इसको इसके डैडी के लिए पराठे, इनके लिए जो जो इस तरीके से पराठे बनाता है ये जरूर बताना मुझे, कि हम भी हम बनाते हैं कमेंट करके जरूर, जो उसका मसाला बचा होता है ना वो लोई में अगर आप आटे में भर के, तो 2 पराठे बनाए थे, एक मैंने खाया था, एक आशी ने खाया था, आशी ने खाया तो मैंने उसको दे दिया था, दोनों ले जा करके मैंने रख लिए थे, मैंने कहा खाएगी खा लेगी, नहीं तो मैं दोनों भी खा लेती, इतने भी हैवी पराठे नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि नाश्ते में मैं 2 पराठे आराम से खा लेती, बस तो देखो इतना खाना भी थोड़ा सा लगता है, वैसे मुझे ना पराठे होते हैं तो खा भी लेती, रोटी नहीं खा पाती, इसलिए मैं बना लेती हूं, रोटी भी खा लेते हैं या फिर पोहा या फिर सपा चीला इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं वैसे नाश्ते में, रोटी तो पूरे दिन ही खाते हैं देखो, तब आप ठीक है ना, मतलब कौन खाता है कौन नहीं खाता आप बताना जरूर, जो भी इस तरीके से कभी बना के, मैं ये नहीं कह रही हमेशा बना करके खाते होंगे, लेकिन हाँ जब भी बना करके खाए हो मुझे बताना जरूर कि भाई हाँ हमने भी बना करके खाए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर पता भी चलेगा ना कि एक मैं ही ऐसी हूँ कि मतलब कि अचार के मसाले के पराठे खाती हूँ।
या फिर मतलब सब खा लेते हैं इस तरीके से, पता है कुछ सूझे ना ना कभी बना के देखना, कुरकुरे से खूब अच्छे से सेक करके बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, बहुत बढ़िया लगते हैं। अब पता नहीं भैया देखो मेरा टेस्ट तो है ऐसा कि भी मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं। और चाय मेरी बन रही है, चाय में मज़ा आता है जब अदरक पड़ी हो, खूब अच्छे से खोली हो, जब अच्छे से उसको उबाल लेते हैं, खूब अच्छे से खोला लेते हैं चाय को, तभी टेस्टी सी बनती है। ऐसे नहीं कि कच्ची पक्की बना ली, मेरी देखो चाय बहुत मंदी आज कल, हल्की हल्की सी खोल ली है, मेरे इतने पराठे सिक जाएंगे, लेकिन मैं पूरी तरीके से गैस ऑन नहीं करूँगी, मतलब फुल नहीं करूँगी, सिम रखूँगी ताकि इस सिम पे ही वो बनती रहे। बहुत अच्छी लगती है जब अच्छे से खोल जाती है चाय। और देखो चाय भी हर किसी की अलग तरीके से बनती है, मेरी चाय तो मैं तो पानी चढ़ा करके इस तरीके से सब्जी डाल के फिर दूध ऊपर से डालती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग मैंने देखा है चाय दूध पानी सब चीज़ें एक साथ डाल करके चाय बना लेते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनका अपना अलग स्टाइल है, मेरा अपना अलग स्टाइल है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। देखो मेरा एक पराठा बन भी गया आपसे बातें करते करते, दूसरा पराठा मैंने डाल दिया, बाकी मैं अभी कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी उधर मशीन लगी हुई है कपड़े धोने के लिए, नाश्ता करके मेरी मशीन पर भी ध्यान देना है क्योंकि मैं नहा ली थी, नहा करके मैंने पूजा भी कर ली थी, फिर मुझे लगा चलो भाई अब कपड़े धो लेते हैं। अगर हम ये सोच जाते हैं ना कि सारा काम करके हम नहाएंगे तो बहुत लेट हो जाते हैं, ज़्यादा लेट नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें कभी कभी लेट भी नहा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आगे अब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा थोड़ा लेट भी नहा लेती हूँ, हाँ नहाती ज़रूर हूँ डेली कितनी भी ठंड हो जाए चाहे। और इसी वजह से ही मैंने इधर पराठे सेक भी स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मेरी पूजा हो गई थी, नहा ली थी, मैंने सोचा उधर मशीन लगी है तो इधर हम पराठे सेक के खा लेते हैं। आशीष को मैंने पूछा, कहने लगी हाँ मम्मा खा लूँगी, तो एक पराठा वो खा लेगी एक मैं खा लूँगी। और दूसरी बात, आशीष दूध पी करके नहाने गई है, उसको भूख लगी थी, उसने एक गिलास दूध पी लिया था खुद करके गरम, खाएगी ठीक ना खाएगी तो मैं खा लूँगी, दोनों पराठे खा लीजिए आप लोग भी। हाँ यहाँ पे मेरे बच्चे कैरम खेल लेते हैं, कट हो जाएगी वो तो करता रहे। देखो बच्चे पढ़ते भी हैं खेलते भी हैं, अरे हो देखते हैं, तो आज अपने रूम में बैठ गए थे, बेडशीट मैंने हटा रखी थी, बारिश खूब आ रही है और मैंने मशीन लगा रखी है, मैं सब गीला हो रहा है मेरा पर्स यहाँ तक गीला हो जाता है यहाँ तक। और ये कपड़े परसों धुले थे अच्छी तरीके से, सूख गए हैं, फोल्ड कर रही हैं, दो दिन में सूखे हैं, मतलब बारिश आ रही है ना अभी, फोल्ड करूँगी कपड़े धोकर आराम से, बेडशीट हटा दी है इसकी भी मैंने, और ये सब गीला हो रहा है। यूनिफॉर्म धोने की वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी, बारिश आ रही है यहाँ पे, 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सही से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं यहाँ पे। और पर्दे तो धुलने का नाम ही नहीं है, पर्दे नहीं धुले हैं, उस दिन मैंने सोफे के कवर धोए थे, सोफे के कवर चेंज किए थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी रेगुलर वाले कपड़े तो देखो धोने ही पड़ते हैं, कितना भी आप सोच लो कि भाई बारिश है फिर भी धोने पड़ेंगे रेगुलर, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म तो धुलनी धुलनी थी। चलो फिर ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाकी मैंने खाना नाश्ता कर लिया है, बच्चों को करा दिया, खाना चढ़ा दिया, दाल चावल मैंने उधर चढ़ा दी थी, दाल चावल बना के रख दो ना, चावल तो मैं देर से बनाऊँगी, दाल बना के छूट कर रख दूँगी, इसके डैडी आएंगे, चावल बन जाएंगे थोड़ी देर में, रोटी सीख जाएंगी, बस यही काम है आज। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब काम से फ्री होकर मैंने मलाई निकाल ली थी चलाने के लिए, घी बनाने के लिए 8-10 दिन की ये मलाई थी, तो मुझे लगा चलो मलाई चला लेते हैं, थोड़ा घी बना लेते हैं, घी बना लो टाइम से तो ठीक रहता है ना, फिर नहीं तो मलाई में खुशबू सी आ जाती है। वैसे तो बिल्कुल फ्रेश था, मुझे लग रहा था शायद 1 हफ्ते का ही था ये, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा वैसे तो, और आज संडे भी था, संडे में मंडे में फ्राइडे में अगर हम घी बनाते हैं वेनसडे में तो ठीक रहता है। मतलब मैंने सुनी है, हम जिन भाभी के यहाँ से दूध लाते थे वो कहती थी कि बृहस्पत में मंगल में और शनिवार में दूध घी नहीं पकाना चाहिए, ठीक नहीं होता, दोष लगता है। मेरा घी बनने को तैयार है, थोड़ा सा लग गया था इसका जो ये होता है अंदर जो निकलता है इसमें, वो मैं अंदर कुछ करने चली गई थी, मैं भूल गई, और घी देखो बस बनने वाला है मेरा, घी तैयार हो जाएगा बस थोड़ी बहुत देर में। सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ थोड़ा सा सामान आप कर लूँगी, काम तैयार ही नहीं हुआ है अभी तो, ये आती है सामान हर हफ्ते, सामान एक सब्जी आती है ना हर हफ्ते तो जाना ही पड़ता है। मैं इनसे कहती हूँ मैं बाहर वीडियो बनाऊँगी, बनाने नहीं देते हैं कि सब देखते हैं अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन करता है ऐसे बनाओ फ्राई को, देखे जाओ बाल देखो कैसे हो रहे हैं।